आप सभी रोहतास थाना क्षेत्र के निवासी और मीडिया के भाई बंधुओं का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। सबसे पहले मैं आप सभी निवासियों को पुलिस अधीक्षक महोदय की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप सभी ने विगत कुछ माह में जिस सौहार्द शांति और भाईचारे के साथ सभी पर्व और त्यौहार को निकाला है वो काबिल तारीफ है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को। जो शांति समिति की बैठक में सभी समुदाय के जो जनप्रतिनिधि आए थे और उनके द्वारा जो पुलिस को जो आश्वासन दिया गया था उसको आप सभी ने बखूबी निभाया है और आप पुलिस के साथ खड़े रहकर अपना सहयोग देकर पूरे पर्व त्यौहार में आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए हम आपका आपके तरफ आभार प्रकट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो आने वाले पर्व त्यौहार हैं उसमें भी ऐसा ही वातावरण और ऐसा ही माहौल बना रहे, आपका ऐसा ही सहयोग मिलता रहे। पुलिस अधीक्षक सर आज यहाँ पर उपस्थित हैं, किसी कार्य से वो जिला के बाहर हैं, तो उनके बिहाफ पे मैं जो आपके लिए जो भी योजनाएं या जो इनिशिएटिव्स रोहतास पुलिस की तरफ से लिए गए उसको आपके समक्ष रख रही हूँ। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि रोहतास थाना में जो वाहन और मोटरसाइकिल्स थी उन सभी गाड़ियों में GPS लगा दिया गया है ताकि वरीय स्तर से उसकी मॉनिटरिंग बेहतर हो सके और जो तेल जो वाहन के लिए फ्यूल भी मिलता था उसको बेहतर तरीके से मॉनिटर किया जा सके और मांगा जा सके। जो बाइक्स बिल्कुल ख़राब हालत में थी थाना पर रखी हुई उनमें आज के देख में आप देखते भी होंगे शायद गश्ती के दौरान कि उसमें लाइट्स स्कूटर और माइकिंग की फैसिलिटी है, तो जो पतली सकड़ी गलियां हैं जिसमें वाहन जाना उतना इजी नहीं होता, बहुत आसानी से नहीं जा पाता, उसके लिए अब हम बाइक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और उस बाइक्स के माध्यम से उसमें भी GPS लगा हुआ है तो हमें पता चलता है कि कब कौन सी बाइक कहाँ जा रही है। उसके लिए एक ऐप है हमारे पास, तो सारी गाड़ियां जो थाना पर लगी हुई हैं वो मॉनिटर्ड रहती हैं आपके सुविधा के लिए, आपके सहयोग के लिए कि आप कभी भी जब किसी भी प्रकार की सूचना देते हैं हमें, चाहे वो बालू से रिलेटेड हो, शराब से रिलेटेड हो या कोई भी और अवैध चीज़ जो यहाँ चल रही होती है, तो हमारे लिए काफ़ी आसान होता है कि कौन पदाधिकारी गए उस कार्य को देखने के लिए, उन्होंने क्या देखा, कब वो वापस आए, उसको ट्रैक किया जाता है। तो ये एक नया इनिशिएटिव है जो पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में हुआ है जो काफ़ी सकारात्मक है और इसका प्रभाव हमें अभी जो लास्ट मंथ का फेस्टिवल लिखा है उसमें भी देखने को मिला है। एक आम जनता के लिए मैं बताना चाहूँगी, स्पेशली महिलाओं से रिलेटेड ज़्यादा इसमें हमने देखा है कि कंप्लेंट्स आते हैं। 1930 का एक हेल्पलाइन नंबर है, आप चाहें तो सभी लोग नोट कर लें, 1930 अपने मोबाइल फ़ोन से कभी भी कोई ऑनलाइन फ्रॉड होता है, जब आपके साथ किसी भी तरह की साइबर क्राइम होती है, कभी कोई स्टॉकिंग होता है, जैसे कि कोई आप सभी लोग सोशल मीडिया पे होंगे, काफ़ी सारे लोगों का फेसबुक प्रोफाइल रहता है, कभी सुनते हैं कि किसी ने आपका गलत प्रोफाइल बना लिया या फोटोग्राफ के साथ छेड़छाड़ कर दी, जो स्कूल गोइंग लड़कियां रहती हैं जनरली उनके साथ उन्हें ये परेशानी फेस करनी पड़ती है। तो किसी भी तरह का फिनेंशियल फ्रॉड हो या सोशल मीडिया फ्रॉड हो, ऑनलाइन स्टॉकिंग का केस हो कि कोई आपको ऑनलाइन परेशान कर रहा हो, इन सभी के लिए एक वन स्टॉप सोल्यूशन है सरकार का, जो 1930 हेल्पलाइन नंबर है। आप अपने मोबाइल फ़ोन से जब 1930 डायल करेंगे तो वो आपसे पूछा जाएगा कि आपको किस नंबर पे, कभी कभी हमारे पास लिंक आ जाता है, उस लिंक पे आप क्लिक करते हैं या तो व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे, तो आपके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं, कभी वो फाइनेंशियल फ्रॉड का केस होता है, कभी OTP मांगा जाता है, तो इस तरह की जो भी घटना होती है जिसमें ऑनलाइन ट्रांजैक्शन गलत तरीके से आपसे कराया गया हो, उसके लिए 1930 पे कॉल करके जिस नंबर से आपको वो लिंक आया है या फोन कॉल आया है उसे आप नोट कर लें और वहाँ पे आप वो घटना को विस्तृत तरीके से बताएं। 1930 में वो 24/7 चलता है, पटना आर्थिक अपराध में इसका एक कॉल सेंटर है, वहाँ पे वो आपसे डिटेल्स लेके सारी चीज़ों को भर के आपके बिहाफ पे वो सबमिट करते हैं, फिर वो आप उसको रिव्यू कर सकते हैं कि वो सही चीज़ भरी हुई है या नहीं। एक बार आप कंफर्म कर देंगे तो वो अगर किसी के अकाउंट से पैसा निकला हुआ है तो वो वहीं पे रुक जाता है। जो भी अपनी समस्या लेके जाते हैं वहाँ बैठ सकते हैं आराम से, स्वच्छ जल की सुविधा है तो आप वहाँ बैठ के अपनी बातों को अच्छे तरीके से रख सकते हैं, जो भी परेशानी है उसको बता सकते हैं। एक महिला हेल्प डेस्क है जो 24/7 ऑपरेशनल रहता है, जहाँ पे एक महिला पदाधिकारी
आपकी सेवा में उपस्थित रहती है। तो जो भी महिलाओं को दिक्कत होती है या महिला सशक्तिकरण की तरफ से हम एक कदम बोल सकते हैं कि यहाँ पे 24/7 रोहतास थाना पे महिला हेल्प डेस्क अवेलेबल है। उसके अलावा जो ERSS की डायल 112 की सेवा है उसको आप अवेल कर सकते हैं। गाड़ियों की कमी होने की वजह से थाना क्षेत्र के अंदर अभी 112 की गाड़ियाँ नहीं चल रही हैं, लेकिन अगर आप उससे कॉल करेंगे तो वो कॉल को संबंधित थाना को सूचित करते हुए आपको जो भी उसका रिस्पांस चाहिए होगा उसके लिए हम थाना से इनिशिएटिव लेते हैं। एक और चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ऑपरेशन मुस्कान करके सरकार के द्वारा एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, जिसमें जो खोए हुए मोबाइल फोन्स हैं उनको उनके धारक को वापस, जो ओनर है उस मोबाइल फ़ोन के, उसको वापस करने की ये नई पहल है। इसमें बहुत ही मुस्तैदी के साथ सारे थाना जिला के काम कर रहे हैं। अभी तक मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस वर्ष में 410 मोबाइल फ़ोन उनके ओरिजिनल ओनर्स को रिटर्न कर दिया गया है। तो चाहे ये मोबाइल फ़ोन कहीं आपका गिर गया हो, आपने जमा कराया हो, FIR कराया हो, जो भी मोबाइल फ़ोन्स हैं वो आपको देने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं।